ये है OnePlus Y1S Pro। जी हाँ, Y1S में अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च हो चुके हैं। एक तो सिंपल Y1S है जिसमें आपको 32 इंचेस 43 इंचेस मिलता है HD एंड FHD। देन दे ऑल्सो हैड Y1S Edge जहां पे जो बेजल्स हैं बहुत पतले थे बट वो भी फुल HD था। ये जो है दोस्तों Y1S Pro, ये आता है 4K रेजोल्यूशन में। जी हाँ, दिस इज अ 43 इंच टीवी विथ 4K रेजोल्यूशन। दोस्तों अगर OnePlus TVs के बारे में बात करूं तो मैं खुद मेरे घर पे इस्तेमाल करता हूं। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है OnePlus TVs में एंड दैट इज द सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। उनका जो ऑक्सीजन प्ले जो है ना दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी वेल ऑप्टिमाइज। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि हैंग हो जाता है या फिर स्टटर होता है। आई हैव नेवर सीन दैट एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट। एक टीवी में हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट Y1S Pro। जी हाँ, सबसे पहले दिस लुक्स क्वाइट मॉडर्न। पियानो ब्लैक फिनिश है, बेजल्स पतले हैं, जैसे एज में पतले थे वैसे ही कुछ इसमें है। एंड लाइक आई सेड, इट इज अ 4K पैनल। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो बैक जो है ना, दैट इज मेटल बैक, इट इज वेरी गुड। हमारे इसमें जो लेग्स थे, ऑब्वियसली ये प्लास्टिक के लेग्स हैं, वो हम टाइट करते समय थोड़े लूज रहे, बट अदर देन दैट द बिल्ड क्वालिटी ऑन दिस इज रियली गुड। पोर्ट्स के बारे में बात करूं, एक टीवी में जो भी पोर्ट्स आपको चाहिए सब मिलते हैं। 3 HDMI पोर्ट्स हैं, 2 USB पोर्ट्स हैं RJ45 के लिए, और हाँ इनका एक ऐप भी आता है जहां पे आप फ्री चैनल्स वगैरह देख पाओगे, बट पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में Everything is there. All right, quickly बता दूं, हमने ऑलरेडी अनबॉक्स करके इसे सेटअप कर दिया है, बट अगर आप बॉक्स खरीदोगे दोस्तों तो ऑब्वियसली आपको रिमोट मिलता है, टीवी मिलता है, लेग्स मिलते हैं, यू डोंट गेट दैट वॉल माउंट, वो सेपरेटली आपको लेना पड़ता है। केबल्स आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, इवन रिमोट के जो सेल्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। दोस्तों अगर Y1S Pro के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो 2GB रैम आती है, 8GB स्टोरेज है, एंड आई थिंक दैट इज जनरली इनफ। मतलब जो भी आप रेगुलरली करते हो, बहुत ज्यादा एप्स वगैरह आपने इंस्टॉल कर दिए तो ऑब्वियसली जगह कम पड़ेगी, बट फॉर नॉर्मल टीवी यूसेज दैट शुड बी इनफ। और हाँ, दिस इज आजकल के जो मॉडर्न टीवीज हैं दोस्तों, दे आर लाइट एंड दिस इज नो डिफरेंट। 43 इंचेस है, 6 kg वेट है, कहीं पे भी आपको उठाना है, टेबल पे रखना है या फिर वॉल पे माउंट करना है, यू शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम्स। वैसे दोस्तों इसमें 64-bit प्रोसेसर आता है। वैसे एक ऐप भी है जो आपको यू नो, इट इज लाइक अ डैशबोर्ड। आपको अगर कुछ क्लीन वीन करना है, मेमोरी क्लीन करनी है, स्टोरेज कम करना है, देखिए स्मार्ट मैनेजर जिसका नाम है, एंड ओके लेट मी ओपन दैट। स्मार्ट मैनेजर है, मेमोरी फ्री अप करनी है, क्लीन अप वगैरह करना है, अनइंस्टॉल वगैरह करना है, तो वो सब स्क्रीन टाइम मिलता है, सो दैट इज गुड। आप ज्यादा टीवी देख रहे हो तो स्क्रीन टाइम से पता चल जाएगा कि भाई कितना टाइम तक आप टीवी देखते हो, वैसे जंक कितनी है, मेमोरी कितनी यूज हुई है, वो सब मिलता है। और अगर OS के बारे में बात करूं दोस्तों, अंडरलाइंग OS इज ऑब्वियसली एंड्रॉइड टीवी 10.0। एंड एक चीज अच्छी है, OnePlus के जो टीवीज होते हैं उनमें अपडेट्स भी आते हैं, सो ओवरऑल दैट इज क्वाइट गुड। एंड दिस आई एम टेलिंग विद एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा घर पे मेरे OnePlus का टीवी है, रेगुलरली अपडेट्स आते हैं एटलीस्ट once or twice in 6 months। दोस्तों मैं टीवी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले बता दूं, अगर आप इस रिमोट के पास देखोगे, रिमोट इज स्लाइटली डिफरेंट। डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की कीज आती है, फार फील्ड माइक नहीं है, लेकिन आप आपके रिमोट के साथ बात कर पाओगे, ओपन ट्रैक इन टेक ऑन यूट्यूब, वेरी रिस्पॉन्सिव। ये भी एक चीज मैंने बहुत सारे टीवीज पे देखी है कि जो जब आप माइक वगैरह इस्तेमाल करते हो, इधर दे डू नॉट रजिस्टर या फिर उनको क्वेरी जाती ही नहीं है। एवरी टाइम मैंने रिमोट के साथ बात किया है, इट हैज वर्क्ड वेल। वैसे UI के बारे में भी, ऑक्सीजन प्ले जो आता है इसके अंदर दोस्तों, इट इज क्वाइट रिफाइंड, ज्यादा बल्की नहीं है। देयर आर अदर UIs, टीवी UIs जो बल्की लगते हैं, कभी कभी स्टटर होते हैं, Not with this one. वैसे Android TV है, इसकी वजह से जो भी apps आपको चाहिए वो आप Android Play Store से download कर पाओगे, which the TV supports. अब दोस्तों बात करते हैं video quality के बारे में। जी हाँ, 4K panel है, HDR 10 plus का support है, और अच्छी बात ये है कि आपको जैसे अच्छा लगता है डायनामिक विविड HDR 10 प्लस में ही देखना है, इसका मतलब डायनामिक रेंज आपको पिक्चर की अच्छी चाहिए, मूवीज आप बहुत ज्यादा देखते हो, तो वो पिक्चर प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पिक्चर प्रोफाइल्स हैं, जो आपकी टेस्ट है उस हिसाब से देखिए, एंड इट डज मेक अ डिफरेंस। और दोस्तों अगर पैनल क्वालिटी के बारे में बात करूं, द बेस्ट व्यूइंग एंगल इज ऑब्वियसली फ्रॉम द फ्रंट, साइड से भी आप देखोगे अबाउट 45 degrees आपको अच्छी तरह से दिखेगा, एकदम एक्यूट एंगल से अगर आप देख रहे हो तो थोड़े कलर्स जो है फेड हो जाते हैं, बट आई एम श्योर ज्यादा करके आप देखोगे तो यू विल
सीट इन दैट आर्क, सो दैट शुड बी गुड इनफ. वैसे दोस्तों MEMC का सपोर्ट है, इसका मतलब बहुत एक्शन मूवीज वगैरह आप देखते हो, यू विल गेट MEMC सपोर्ट, ज्यादा स्मूथ दिखेगा, सो दैट इज गुड एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो. 24 वॉट के स्पीकर्स हैं, दे गेट वेरी लाउड, मतलब अगर आप 50% तक रखोगे तो दैट शुड बी मोर देन इनफ. मतलब हमारे स्टूडियो में हमने 50% वॉल्यूम रखा था और फिर भी इट वॉज क्वाइट लाउड. तो लाउडनेस है एंड क्वालिटी भी मैं कहूँगा अच्छी है. वैसे ऑडियो के लिए भी आपको प्रीसेट्स एंड डॉल्बी ऑडियो वगैरह आपको चाहिए, यू कीप इट एट दैट. ज़्यादा सराउंड साउंड तो नहीं, अच्छा साउंड आएगा. दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो डुअल बैंड वाईफाई आता है एंड ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट. और एक चीज़ अच्छी, जनरली दूसरे टीवीज आप देखोगे इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में अबाउट 25-30,000 जो 43 इंचेस है, आपको क्रोमकास्ट सब में मिलता है, लेकिन इसमें क्रोमकास्ट के साथ में आपको मीराकास्ट DLNA का भी सपोर्ट है. इसका मतलब पुराने स्ट्रीमिंग डिवाइसेस वगैरह आपके पास होंगे जो बेसिकली कास्ट करते हैं, विच यूजेस मीराकास्ट और समथिंग लाइक दैट, यू कैन स्टिल यूज देम ऑन दिस टीवी. वैसे दोस्तों ऑडियो के बारे में एक चीज बताना भूल गया, इसके जो स्पीकर्स हैं यू कैन यूज देम एज योर ब्लूटूथ स्पीकर्स, मतलब आपके फोन से आप टीवी में कास्ट तो नहीं, ऑडियो बेसिकली ब्लूटूथ के वाया सुन पाओगे. सो देयर आल्सो स्पीकर्स. और कुछ इंटरेस्टिंग OnePlus ने एप्स भी दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल ये जो है, यू नो, आप मेडिटेशन वगैरह करते हो दोस्तों, ओ रिलैक्स नाम का ऐप है जहां पे नेचर साउंड्स वगैरह आपको मिलते हैं एंड डीप ब्रीदिंग वगैरह कर रहे हो उसके लिए, मॉर्निंग सनशाइन, ऐसे एम्बियंट साउंड्स हैं. सो या सम पीपल माइट लाइक दैट एज वेल. वैसे बड़े स्क्रीन पे आपको जूम मीटिंग्स वगैरह करना है तो कैमरा आता नहीं है, बट एज एन एक्सेसरी यू कैन बाय इट, क्योंकि टीवी सपोर्ट करता है कैमरा को. एंड यस, OnePlus के खुद के भी कैम्स आते हैं. और एक चीज दोस्तों, और अगर आप OnePlus के इकोसिस्टम में हो, इसका मतलब आपके पास OnePlus का वॉच है या फिर बड्स हैं, OnePlus का फोन है, तो कुछ फीचर्स जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉच, OnePlus वॉच से आप एक्चुअली प्ले पॉज वगैरह कर पाओगे, सो यू गेट कंट्रोल्स ऑन योर वॉच. अगर आप बड्स इस्तेमाल करते हो तो अगेन प्ले पॉज कर पाओगे, जब आप निकालोगे बड्स it will stop playing whatever it is playing. तो ये सब चीजें हैं if you are in that OnePlus ecosystem. और हाँ, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, OnePlus Connect नाम का ऐप आता है Google Play Store से, डाउनलोड कीजिए एंड देन यू कैन इंटरैक्ट विद द टीवी फ्रॉम योर स्मार्टफोन. तो दोस्तों अगर मैं इस टीवी के बारे में बात करूं, फॉर 30,000 आई थिंक इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी टीवी, डेफिनेटली. इनफैक्ट अगर अभी खरीद रहे हो, वैसे लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, 2,500 की ऑफर है तो इफेक्टिव प्राइस जो है 27,500 की है. ओवरऑल आई लाइक दिस टीवी इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज. दूसरे जो टीवीज हैं वो भी इसी प्राइस रेंज में 28, 29, 30,000, बट जो सॉफ्टवेयर साइड एक्सपीरियंस ऑफर करता है आपको OnePlus टीवी, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट. वैसे अगर आपको कोई सवाल है OnePlus Y1S Pro के बारे में तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ लाइक करना मत भूलिए, वैसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर नहीं किया है तो, ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं, अनबॉक्सिंग, ट्रैकिंग टेक. यस, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड